आज है क्या, आज लास्ट प्रॉब्लम, आज ही लास्ट। ललित भाई, हम लोग विन फिल्म फेस्टिवल 2021 के तीसरे सोपान में सीधी में हैं, और सीधी में लगातार 2 दिनों से तमाम विश्व भर की और विभिन्न भाषाओं पर फिल्में दिखाई जा रही हैं। तमाम प्रोड्यूसर्स, तमाम फिल्म कंपनियां अपनी अपनी फिल्मों को लेकर यहाँ आई हैं और अपने फिल्मों का प्रदर्शन कर रही हैं। तमाम जो भी समसामयिक मुद्दे हैं, और सामाजिक कहें, सांस्कृतिक कहें, ऐतिहासिक कहें या एक काल्पनिक कहें, तमाम तरह की फिल्में हम लोग देख रहे हैं। और अपनी भाषा को जानना गौरव की बात है, लेकिन जब हम लोग किसी और भाषा से आत्मसात होते हैं, जुड़ते हैं, तो और खुशी मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारे यहाँ डायरेक्टर्स भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, और तमाम लोग इस फेस्टिवल के जश्न में हैं, इस फेस्टिवल के उत्सव में हैं। और जैसा कि सीधी में ठंड नहीं है, बहुत ही एकदम सामान्य सी ठंड है, उसका कोई असर जो है वो अभी तक देखने को नहीं मिला। और विजयकांत पांडे जी सीधी में है, विजयकांत जी, धर्मवीर मदन जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तमाम बहुत सारे लोग इस फेसबुक लाइव में जुड़ रहे हैं। और अभी तो फिलहाल मैं मॉर्निंग वॉक पे गया था, लौटा तो हमने कहा कि हम और अपने साथियों से भी जुड़ें, उनको भी जोड़ें, और इन फिल्मों के बारे में, इस उत्सव के बारे में उनको भी आत्मसात करें, उनको उनसे भी परिचय कराएं। हालांकि हमारे जितने भी साथी हैं अभी सो रहे हैं, और मैं सुबह सुबह निकला तो हमने कहा कि ये बहुत अच्छा मौसम होता है कि जब हम किसी से बात कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग अपने बिस्तरों पर होंगे, बहुत सारे लोग अपने बाथरूम्स पर होंगे, तो ये समय सुबह के विवेक मिश्रा जी, गोल्डी भैया, हमारा भी नाम ले लीजिए, अरे आप बिछिया नरेश, आप इस तरह कह के इस तरह कह के आप हमारा जो पार्टी है वो हम छोड़ नहीं सकते हैं कि आपको हम बक्स देंगे। और तो सुबह सुबह निकले मॉर्निंग वॉक पे, तो ये हुआ कि नहीं, आइए आप लोगों से भी जुड़े, हम जा रहे हैं। बिल्कुल विवेक भैया, अपना रही साथ में रही तब ऊर्जा मिली, दरअसल अपना वैक्सीन नहीं, पूर्व बूस्टर आहन, जो व्यक्ति का बूस्टर लग चुका हो या जो व्यक्ति बूस्टर हो, निश्चित रूप से वो आदमी सौभाग्यशाली है। तो फिल्मन के बारे में, दरअसल हम हिंदी में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि फेसबुक में बहुत सारे पूरे इंडिया लेवल के लोग होते हैं और ये कार्यक्रम इंटरनेशनल है, तो जो भी लोग, हमारी आवाज़, हमारी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे भाव और हमारी प्रस्तुति और हमारी जानकारी महत्वपूर्ण है। तो ये फिल्म तमाम लगभग 40 देशों से आई हैं, 300 से ज़्यादा फिल्में हैं जिनकी स्क्रीनिंग लगभग 2 महीने पहले से हो गई थी। कुछ चुनिंदा फिल्मों का प्रसारण यहाँ किया जा रहा है, और कोविड के कारण बहुत सारे कंडीशंस हैं और बाहर के लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया है, सब विदेशी और फॉरेनर नहीं आए हैं इस बार, लेकिन अपने इस देश से, तमाम कुछ अंचल से बहुत सारे लोग हैं और उनसे हम सब सीख रहे हैं और फिल्मों की बारीकियों के बारे में जान रहे हैं। किसी भी विद्यार्थी का कहें, हम लोग तो इस फिल्म जगत के अभी पहली कक्षा में हैं, और पहली कक्षा की जो बुनियादी बातें होती हैं वो सब हम उन डायरेक्टर से और उन डीओपी डायरेक्टर से और तमाम आर्टिस्टों से सीख रहे हैं। सीखना इंसान की एक सभ्यता है, सीखना इंसान का एक स्वभाव है,
और जब तक हमारे अंदर सीखने की क्षमता है, जब तक हमारे सीखने की भावना है, तब ऐसा लगता है कि नहीं, हम और भी आगे बढ़ रहे हैं या कर रहे हैं। शिव शंकर मिस सरस जी, मैं चरण स्पर्श करता हूँ। और कल रात हम लोग एक सांस्कृतिक काव्य संध्या या काव्य संध्या पर भी हम लोगों ने यहाँ इंजॉय किया और अपनी प्रस्तुतियाँ दी। बाहर के लोगों को हम लोगों ने बघेली का एक छोटा सा पैकेट या कहें कि एक छोटा सा प्रोग्राम करके उन्हें एक संदेश दिया कि हमारी लोक भाषा में कितना मर्म है, कितना दर्द है और कितना उत्सव है और कितना बड़ा आकार है। तो आदरणीय सरस जी के संरक्षण में कल प्रस्तुतियाँ हुई, उनके संरक्षण में लगातार यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं। रामलाल प्रजापति जी नमस्कार, विजयकांत पांडे जी। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि नीरज कुंदेर जी के संयोजन में और प्रवीण सिंह चौहान जी के निर्देशन में और डॉक्टर अनूप मिश्रा जी के आयोजन में ये कार्यक्रम लगातार 7, 8 और 9 को इस बार सीधी में आयोजित है और तमाम बहुत सारे मीडिया संस्थान भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे फिल्म संस्थान भी इस कार्यक्रम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। और दी इफ़ यू डोंट माइंड, फेसबुक में हम लोग थोड़ा टॉक कर रहे हैं इस फिल्म के बारे में। आप अभी इस कार्यक्रम में जो एक हमारी जो मुख्य अतिथि हैं और जो कहें कि जिनका हम लोगों का संरक्षण मिल रहा है, जिनसे हम लोग सीख रहे हैं, और आप सबने बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा, लेकिन इतना अच्छा स्वभाव और इतना अपनापन शायद ही बहुत कम लोगों का मिलता है। अन्नू दीदी हैं और मैं उनसे सभी को गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह ये इतना अच्छा जो बोल रहे हैं, सुबह से उठ के सारा कुछ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हम जगा रहे हैं, दरअसल बहुत सारे लोग सो गए तो हमने कहा शायद लाइव कर दे, तो जो सो रहे हैं उनको भी लगेगा यार ये तो बंदा सुबह से ही काम पे निकल गया, हम लोग सोए हुए हैं, तो उनको जगाने के लिए भी है। और तमाम इस टाइम पे लोग सुबह सुबह थोड़ा सा फ्री होते हैं और तो उनसे जुड़ करके फिल्म महोत्सव के बारे में और तमाम सारी चीज़ों से हम लोग जुड़ रहे हैं। कैसा लग रहा दीदी आपको यहाँ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, नो डाउट। और बड़े गौरव का विषय है कि दीदी मुंबई में रहती हैं और बहुत सारी फिल्मों में हम सब ने देखा है, और चाहे साउथ की फिल्में हों, लेकिन उससे भी गौरव का विषय है कि वो हमारे विंध्य क्षेत्र की हैं और कटनी बहरी चिल्हारी अमरपुर यानी बहरी की हैं, बरही 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 उल्टा हो जाता है सॉरी। और बहुत सारे गाने हम सब ने बरही के सुने हैं। एक ज़माना था जब हमारे पास ये सोशल मीडिया नहीं था, जब हमारे पास सीडी कैसेट्स आया करते थे, तो बरही के बहुत सारे गाने हम सब लोग सुनते थे। का करो राम रो घर बाऊ जरगे मा कसी करो, तो एक अपने आप में बड़ी खुशी मिलती थी कि लोक में इतनी ताकत है कि इंसान एक कनेक्शन है कि आप हम सब लोग जुड़ जाते हैं, और जब कोई अपने बीच से बड़े स्तर तक जाता है तो बड़ी खुशी मिलती है, और उससे बड़ी बात है कि उससे कुछ सीखने को मिलता है, वो अपना मान के एक मोहब्बत देता है, तो उससे और अच्छा लगता है। अपन लोक भाषा बघेली में काम करते हैं, आप भी जानते हैं, और आपका संरक्षण और आशीर्वाद हमेशा मिलता है, और क्या अपन यहाँ अच्छा कर सकते हैं, क्या आपको लगता है, क्या हमारी ताकत है और क्या कमजोरी है? मुझे लगता है नीरज कुंदेर जी जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी वो बहुत आगे हैं, मतलब हमारे वो सीनियर हैं, हमसे बड़े हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार थिएटर को लेके वो पूरा काम कर रहे हैं, बड़े बड़े फेस्टिवल्स करते हैं, बाकायदा वो उन्होंने थिएटर के लिए, इट्स नॉट लाइक दैट कि उन्होंने केवल थिएटर कर रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट बना दिया है कि यहाँ पे बच्चे आके पढ़ते हैं, और बिल्कुल जैसे कि मैं NSD से हूँ, NSD में जाके मैंने जिस तरह से पढ़ाई की, वैसे ही यहाँ पे बच्चे आके प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। थिएटर के साथ साथ फिल्म को लेके वो काम कर रहे हैं, तो फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, इतनी खूबसूरत चीज़ है। सॉन्ग्स को लेके उनका संरक्षण किया जा रहा है, जितने भी फोक सॉन्ग्स हैं, तो इससे अच्छा क्या है, मुझे लगता है वो ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, और आप खुद ही इतना अच्छा काम करते हैं, इससे बेहतर क्या है, मैं कैसे क्या बता सकती हूँ। थैंक यू दी, थैंक यू। और थैंक यू। तो आप देख रहे हैं कि मतलब बहुत सारी भाषाओं में हम सब ने कल से फिल्में देखी, और कई भाषाओं को जानना बड़ी अच्छी बात है, वहाँ की कला संस्कृति और वहाँ की तमाम परिस्थितियों से हम जुड़ते हैं, और जो भी कंडीशंस होती हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, उनसे हमको कैसे निपटना है और किसका क्या समाधान हो सकता है, इससे फिल्मों से हम सबको पता चलता है। तो ये पिछले बार का लगा हुआ है जिसमें आप सब देख सकते हैं, हालांकि हल्की कल बारिश हुई है, उसके कारण थोड़ा सा
धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ और आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया इस कार्यक्रम में अतिथि हैं और अनूप भैया जी डॉक्टर ईआर आरबी दादा हो गए, विवेक सिंह जी हो गए और तमाम जितने भी संस्थान हैं जो इस कार्यक्रम को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, जिस कार्यक्रम को संभाल रहे हैं। तो ये पूरा उत्सव है और यहाँ प्रसारण हो रहा है फिल्मों का और यहाँ स्टे है, सब लोग रुके हुए हैं। कछुआ फिल्म लगी थी, हम लोगों ने देखा है और बहुत ही शानदार फिल्म थी। 7 तारीख का प्रसारण इसका हुआ था। तो लगभग 45 लोग जुड़े हैं, विष्णु शर्मा जी और अभिषेक तिवारी अभी हमारे NHAI के प्रदेश सचिव और तमाम लोग इस फिल्म महोत्सव से जुड़ी हुई बारीकियों को समझ रहे हैं। और तो एक झलक हमारी लोक कला संस्कृति की भी यहाँ है, अपने इन जिसे कहते हैं कि हमारी पगड़ी, हमारी शान होती है और इन पगड़ियों को बहुत ही सुंदर तरीके से कलाकारों ने सजाया है। मैं सबके मैसेजेस देख रहा हूँ धीरे धीरे। विमलेश कुमार जी, शिवम तिवारी जी, दिनकर पाठक जी, दिनकर भाई नमस्कार। दिनकर भाई की ही इस मिट्टी में हम सब लोग यहाँ उत्सव मना रहे हैं। संदीप कुमार विश्वकर्मा जी, सुमित पांडे जी, मोनू मिश्रा जी, अभिषेक कुमार मिश्रा जी, दिनकर पाठक, प्रणाम प्रणाम दिनकर भाई, विमलेश कुमार जी, अमित शुक्ला जी, हमारे हास्य के आधुनिक विस्फोटक कलाकार, कोरोना से ज़्यादा इनकी वीडियो चली हैं और कोरोना से ज़्यादा ये पूरे देश में फैले हैं। तो धीरे धीरे अपने जीवन काल में आप पहली बार मॉर्निंग वॉक पे गए हो, मैं यार यहाँ बताने की क्या ज़रूरत है। और देखिए कितना बड़ा असर होता है कि ये भी जाग के आ गए और इन्हें भी शर्म लग गई। नहीं आप ये बताइए, इधर मैं जानता था, मैं इसीलिए सुबह सुबह अकेले आया बोलता है। मैं इसीलिए अकेले सुबह सुबह आया कि ये लोग जग ना पाए, लेकिन ये भी हमारे बीच पहुंच गए हैं और अवतरित हो गए हैं, इनसे आप मिलिए। हालांकि नहीं, मैं तो दिनकर की बात सुनकर के आया हूँ कि दिनकर नीचे आ जाइए भैया। अब कितना नीचे जाओगे, अब ये कितना नीचे जाएंगे, अब दिनकर भाई इनसे ऊंचाई पर नहीं लेकिन नीचताई की ही उम्मीद थी। नहीं आपन आप ज्यादा झूठ ना बोल पाए, जीवन में पहली बार आप आए हैं। मैं मॉर्निंग वॉक, भाभी जी सुन रही हैं, देख रही हैं, उसमें लाइव मैं मान रहा हूँ। अच्छा, तो ये बताने की कौन सी जरूरत है कि मान रहे हो, पाठक को भी बता रहे हो। नहीं आप परेशान ना होइए। अच्छा अरुणेन भी जुड़ गया है, सभी अच्छा, लोग अरुणेन भी जान गया क्या? सब जान गए। जीवन पहली बार आए हैं। ये देखिए हमारे ये अभी तक दरअसल क्या है, ये लेट इसलिए भी हो गए क्योंकि ये जूता ढूंढ रहे थे और जूता हम इनका पहन के चले आए हैं। तो आप बताना पड़ेगा, नहीं ये कुछ देर बाद वीडियो में बोलेगा कि जूता हमारा पहने हैं, फिर हम कहेंगे यार बताने की क्या जरूरत है, तो कहेंगे जूता पहने होंगे किसका, हमसे क्या लेना देना। तो हम सब लोग हैं और ये देखिए तमाम संदीप भाई, दिनकर भाई, संजय भाई, अरुणेन भाई और केवल लखन भैया ही कर सकते हैं। बिल्कुल दिनकर भाई, झूठ इतना झूठ है प्रभु अवतार ले ही, मतलब तुम एक तो नहीं तुम नीचे हो ही। संजय भाई हो गए, संदीप त्रिपाठी जी हो गए, अनुराग सिंह जी हो गए, प्रदीप भाई। हाँ आपने अभी तक नहीं, कैमरा तुम्हारे साइड चालू है, आपने अभी तक इन बाटलों का सही उपयोग नहीं। ये होता है ई वेस्ट मैनेजमेंट, यानी हम किस तरह से वेस्ट पदार्थों का सजावट में उपयोग कर सकते हैं। और इसमें लिखा है, थोड़ा पढ़ लो अगर पढ़े लिखे हो तो, बस अपनी ही लिखा होता तो यहाँ होता। ये इसमें तो वो वाली लाइनें लिखी हैं कि बस अपना ही गम देखा है तूने, कितना कम देखा है, वाह 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 वाह।
अच्छा हुआ कि बस अपना ही गम देखा है और महफिल में बस राम देखा। सुबह 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 आ गए मॉर्निंग वॉक पे, हमको लगता है तुमने बेगम देखा। सड़क तुम अब आई हो गांव, जब सारा गांव शहर जा चुका है। महेश चंद्र पुनेठा जी की ये पंक्तियां हैं कि शहर सड़क तुम अब आई हो गांव, जब सारा गांव शहर जा चुका है। तमाम तरह की एक मैसेजेस भी हैं इन बोतलों में, और मिर्जा गालिब जी की कुछ पंक्तियां हैं। मैं आपको आदमी इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। हालांकि मैं अभी भी अपने आप को आदमी ही समझ रहा था। इसमें क्या लिखा है महावर 2022, इसमें क्या लिखा हुआ, भींगे बिना बारिश लिखोगे तो कागज सूखा रह जाएगा। भींगे बिना बारिश लिखोगे तो कागज सूखा रह जाएगा, इसीलिए कल बारिश हुई है। और सीधी विंध सो नदी और बघेली, तमाम बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। और लोग अभी भी लगभग 65-70 लोग हैं जो कि इस कार्यक्रम जायके का आनंद ले रहे हैं, मतलब रजाई के अंदर आनंद ले रहे हैं वीडियो में, कि भैया अच्छा ठंडे बागल लाग हम बच बैठे बैठे। ये बड़ी अच्छी प्यारी पंक्तियां हैं कि मेरे बाद जो तुम्हें चूमेगा मेरे होठों के निशान चूमेगा। यार मैं थोड़ा सा तुम गलत पलटा दिए थे यार, अच्छा वाला कुछ। तो मैं सुबह सुबह इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई भाभी जी जुड़ी हैं तो वो सुन रही हैं तो आप। अरे भाभी जी, सब भाभी जी ही है, सब भाभी जी ही है। तुम इसमें क्या लिखा है, आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते। वाह 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 वाह, नहीं जान मन से ज्यादा तुम्हें और कोई नहीं जानता है, मन से ज्यादा तुम्हें कोई और नहीं जानता है। इसमें क्या लिखा है, क्या कहा आज जन्मदिन है मेरा, जऊन तो यार मर गया। वो वाला एक तो और कोटेशन लिखा था कि अच्छी लड़कियां स्वर्ग जाती हैं, और अच्छी लड़कियां स्वर्ग जाती हैं, बुरी लड़कियां चाहे जहां चाहे वहां जाती हैं, जहां चाहे वहां जाती हैं। वाह वाह, बहुत सारे शेर और बहुत सारे कोटेशंस लिखे हुए हैं। ये लिखा है कई सौ मील गाड़ी चल चुकी है, तुम्हारा शहर अभी गुजरा नहीं है। वाह 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 वाह, तुम्हें प्यार करना मानो यह कहना मैं अभी जिंदा हूँ। नहीं, आदमी कभी कभी लाइव आकर भी ये बताता है कि नहीं मैं जिंदा हूँ, ये भी एक एहसास है, एहसास। क्योंकि तमाम देखो दो लहरों से हम लोग निपट चुके, तीसरी लहर के कगार में है, इसलिए यहाँ लिखा लहर है, लहर भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब जब देखो इस शरीर में अब जो भी होगा, इस शरीर में कोई अटैक नहीं होगा, जब होगा तो सीधे हार्ट अटैक होगा, ये इनकी शरीर पर। और जेपी भैया भी जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। अरुण भाई, संजय भाई और सुबोध भाई और अजय प्यासी जी, बबलू भाई और हमारे विज्ञान महाविद्यालय के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रकाश भाई, शिवेद मिश्रा जी और जेपी भैया, जयप्रकाश जी, मोहित हमारा भांजा, अरुण भाई और जय गौतम जी। अच्छा, कामता माखन जी लेट कर वॉक करते हैं, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। अभी आपकी उपलब्धि में किसी ने दो शब्द लिखे हैं कि कामता माखन जी लेट कर वॉक करते हैं। हमने कहा ये भी योग किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, आने वाली पीढ़ी इसका प्रयोग करेगी। दिनकर पाठक जी, ये ऐसा है कि मैं मॉर्निंग वॉक पे गया था, मैं इसीलिए फोटो तो खींच के धरा हूँ। मैं जानता हूँ कि आजकल बिना सबूत के कोई काम नहीं होता है। ये इनके जैसे निशाचर, इनके जैसे धुंधकारी दोस्त अगर आपके पास हैं तो दुश्मन की जरूरत नहीं है। तो और ये इसमें क्या लिखा है, वैसे सीधी रंगमंच, और अभी इतनी सारी बोतलें हैं, लगता है मैं कहाँ कहाँ चला जाऊँ, कहाँ कहाँ टंग जाऊँ, ऊपर भी लगी हुई है। जो भी कहिए कैमरे के सामने कहिए। नहीं नहीं, मैं सारी बात नहीं कह सकता। अच्छा, ये ऊपर है कैमरा लगा है कि नीचे लगा है, ये भी देखना पड़ता है। तो इस तरह से
सजावट की गई है, इस तरह से डेकोरेट किया गया है इस विंध्य इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को। और नीरज भैया, अनूप भैया और प्रवीण भैया का इतना सारा आयोजन निश्चित रूप से हम कलाकारों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, मिसाल साबित होगा। और ये हमारे शिवा भाई आ गए हैं जिन्होंने इस देखो लखन भैया सुबह सुबह दिखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और लखन भैया मेरा स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे। वाह 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 वाह, बहुत धन्यवाद लखन भैया। सुबह सुबह आपको गले लगा के बिल्कुल मन गला गीला हो गया, मन बिल्कुल चंगा हो गया, गदगद हो गया मन। कोटेशन इतने अच्छे हैं कि बहुत सारे लोग बड़े इत्मीनान से कह रहे हैं कि वो सब पढ़ाई है, हमने कहा ऊपर कहाँ टंगे। कहीं इतनी विशिष्ट बातें लिखी हुई है। शुक्रिया। और ये शिवा भाई ने इसे बहुत सुंदर तरीके से सजाया है और हम सब लोग सीखते हैं। और अपने मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से परंगत और दीक्षित हैं शिवा भाई। और तमाम सारी चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को बड़े स्तर में किस तरह से सजाना है और बनाना है, यही सब लोग हम लोग यहाँ सीखने आते हैं और जानने आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि बहुत सारे जो एक्टिंग के गुर हैं, एक्टिंग के जो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं वो हम लोग शिवा भाई से सीखते हैं। आप हमेशा नाटक में और बहुत सारी फिल्मों में भी आप सबने शिवा भाई को देखा होगा। मैं चाहूँगा कि विंध्य फिल्म फेस्टिवल के बारे में दो शब्द शिवा भाई, आप सब सामने ने फंसी गए हैं, हालांकि एक आपके पीछे एक और आदमी है। अरे आप सुबह सुबह नहीं, कल सीधा सुबह सुबह आया थे जैसे देखा, अरे भैया सुबह सुबह देखे तो बड़ा अच्छा लगा, दोपहर शाम को देखता तो नहीं। वो इसलिए बोलता कि सुबह दोपहर दिख जाते हो, शाम को शाम को भी दिखा कर। तो ये हमारे प्रजीत भाई हैं और जो कि फोक आर्टिस्ट हैं, लोक कलाकार हैं, और जो और जिन्होंने इस तरह तमाम चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सजाया है। कम संसाधन में कितने अच्छे तरीके से हम अपनी संस्कृति को इंटरनेशनल कहें कि इंटरनेशनल कहें कि पूरे देश में चीज़ों को हम परोस सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो धीरे धीरे ये देखिए होता है लाइव का असर कि मैं यहाँ अकेला चला था और यहाँ कारवां धीरे धीरे इकट्ठा हो गया। हालांकि कारवां नहीं है, दो तीन लोग हमारे दुशासन टाइप के भी लोग हैं, मतलब मैं इनको कह रहा था नहीं, नहीं। ये क्योंकि आदमी मैं मॉर्निंग बाग में गया था, वो कमेंट कर रहा था कि नहीं आप मॉर्निंग बाग में नहीं है, रूम में है। तो हमने कहा नहीं, अब लाइव से मैं बताऊंगा कि मैं मॉर्निंग बाग सबूत देना पड़ता है गुरु। अच्छा आप बताइए, वो हमारा देश है जहाँ सिर्फ पहली बार सिर्फ लाइव करने के लिए नीचे आए कि मैं ऐसे ऐसे हमारा देश है, वहाँ लिख के बताया जाता है, वहाँ लिख के बताया जाता है कि यहाँ लिखना मना है, लिख के बताया जाता है। गजब की बात। तो सफेदी आई सबूत के साथ, हालांकि आज तक सफेदी नहीं आई। एक कंपनी थी फेयर एंड लवली, उसने चैलेंज किया था कि ये क्रीम लगाओगे तो गोरा हो जाओगे, तो लेकिन उस चैलेंज में वो कंपनी चेंज हो गई। लेकिन उसने कहा था कि अगर नहीं कर पाई तो मैं अपना नाम चेंज कर लूंगा। उसने अपना काम कर लिया है। अब फेयर एंड कौन सी उसका नाम बदल गया है। नो एंड ये देखिए हमारे प्रजीत भाई उससे प्रभावित है। क्या है ना, भाभी जी को लेके जाते हैं और अपनी वाली भाभी जी तो दूसरा लगाती है, मतलब बगल वाली भाभी जी। आज म्यूजिक का परफॉर्मेंस है तो आप जो भी आप सभी लोग सीधी में हैं, आसपास के जो क्षेत्रों में हैं, ज़रूर आएँ 3 बजे से। और फिल्म फेस्टिवल का आज आखिरी दिन है तो आप फिल्में भी देख सकते हैं, उसके बाद आप आइए और संगीत के लुत्फ़ उठाइए और उसके बाद डांस के परफॉर्मेंस होंगे और हमारे लखन भैया रहेंगे। अरे सौरभ, एक सौरभ सृजन एक तो कोई लो कुछ जगाओ जगाओ, ऐसे भी गा सकते हो, ऐसे भी गा सकते हो। सुबह सुबह है बिल्कुल, इसका भी सुबह सुबह गला सही नहीं है। अच्छा ये नहीं सुबह गला ही ऐसा क्योंकि खरज का अभ्यास करता है। लेकिन गला गरज के अभ्यास नहीं करता। नहीं ये हम उसे धीरे से बोला है कि अगर मगन भैया आप कहते तो मैं कर देता, लेकिन लखन भैया करे मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। आज तक 1 रुपये नहीं दिया, इतना मतलब इतना कह दिया ये तो। आप सृजन जी हैं
आप फोक आर्टिस्ट भी हैं और सबसे अच्छे कलाकार हैं, आप देख रहे हैं कि मतलब संगीत में कितने स्वरों को लगातार सीख रहे हैं और तमाम अपने कार्यक्रम दे रहे हैं, उनके गीत और तमाम हम लोग सुनते हैं। तो अब धीरे धीरे से मैं आपसे विदा लेता हूं और चलता हूं। सृजन भाई को जरूर सुनिए, और सरवन भाई के ये प्रोडक्शन हाउस से निर्मित है निहुर के तो सरवन भाई अगर देख रहे होंगे तो मैं उनको निहुर के प्रणाम करता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप भी जल्दी जल्दी आइए। डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा जी, म्यूजिक का है तो मैं जा सकता हूँ, अनुमति है मेरी मुझे कि मैं जाऊं जब सुबह सुबह मती पड़ती है तो है क्योंकि डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, भूतपूर्व एडिशनल डायरेक्टर हायर एजुकेशन रीवा और शहडोल संभाग, और हिंदी के महनीय विद्वान, तमाम हिंदी ग्रंथ अकादमी में भी आपकी उपलब्धियां रही हैं। आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद मिलता है तो हम सब बच्चे और पल्लवित होते हैं, प्रस्फुटित होते हैं। और हरुड़ेन भाई, दीपेश मौर्या जी, रत्नेश रजनीश भाई, सनत सिंह जी, ऋषभ सिंह बघेल जी और ऋषिकेश सिंह जी, बोतल भरी है कि खाली? नहीं नहीं, बोतल तो अब देखिए ऐसा है कि अगर भरी होती तो तंगती नहीं। पुष्पेन जी, पंडित धीरेन्द्र द्विवेदी जी, दीपेश मौर्या जी, पंकज पांडे जी, लिखा बहुत बढ़िया है, हेमा कौना दुराज नहीं पर इतनी बोतल आई बिल्कुल आपने तो बिल्कुल प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया है। पंकज भैया, सनत सिंह जी, पंडित प्रद्युमन तिवारी जी, रामलाल भाई, संजय सेन जी, आर्मी बॉय अमित चौहान जी, बबलू मिश्रा जी, पुष्पेन जायसवाल जी, विनीत द्विवेदी जी, कमलेश मिश्रा जी, मुकुंद प्रसाद मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिंह परिहार जी, न जाने कितने बह गए इन बंद बोतलों में। वाह 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 वाह, अनिल जी चेहरे से सीधे अपना चेहरा फेसबुक पर दिखाए हैं डायरेक्ट, और कह रहे हैं कि न जाने कितने बह गए इन बंद बोतलों में। बिल्कुल सही बात है, बोतल खाली करवाने वाले को दंडवत प्रणाम है। अरुणेन भाई कह रहे हैं बोतल खाली करवाने वाले को दंडवत प्रणाम। देखिए, देश के आर्थिक व्यवस्था पे अपना योगदान होना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल, इसीलिए नीरज निर्मोही समय इंदौर से रीवा में है और कल जेल में थे जो निकल के आ गए होंगे। नीरज भाई नमस्कार, जय जय बेटू। विनोद भट्ट जी, हम सबके संरक्षक और 3-5 के मार्गदर्शक, जिनके छत्रछाया में हम सब लोग बढ़ रहे हैं, पल रहे हैं। पुष्पेन जायसवाल जी, विनोद दादा से निवेदन है, दादा प्रणाम, ये कह रहे हैं कि हम आपकी छत्र छाया में पल रहे हैं, तो सिर्फ यही भर पलेंगे कि आगे भी इनका परिवार आएगा? नहीं, हमारे भैया भी देख रहे हैं, और जो तुम विवादित टिप्पणियां कर रहे हो लाइव में, तो कभी न कभी तुम भी लाइव में आओगे, हमको पता है क्या बोलना है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भाई, संभालना है इनको, ये लाइव में आए तो ये हमारा लगातार पर्दे पर पर्दे फास जारी किए हैं। दिनेश द्विवेदी जी, कार्तिकेय शुक्ला जी, प्रभु दयाल मिश्रा जी, भैया प्रणाम, संजू भैया देख ले हमारे पड़ोसी आ ही, और जब पानी कब कब टंकी चला था तो हम गुहार मारी थी भैया तक सुना जाता है, तो आज अब देख ले कि पानी चालू तो नहीं आए। नीरज भाई, सुबह दोपहर दिख जाते हैं, शाम को बिक जाते हैं। अच्छा, ये नेताओं की बात है क्या बात कही है संजय भाई, और हम भी आते हैं, बिल्कुल स्वागत है। विवेक मिश्रा जी, माखन जी अमचूर खाएं क्या? विकास त्रिपाठी जी, पुरनेन्द्र मिश्रा जी, शालिनी श्रीवास्तव जी, नीरज भाई, और नीरज भाई ने इतने प्रणाम भेज दिया कि मैं प्रणाम करते करते थका जा रहा हूँ। विकास सेन जी, अरे विकास 3 दिन से तुम आ रहे हो, पहुँचे नहीं हो अभी तक। हाय, दो ही विकास नहीं पहुंच पा रहे हैं, एक मोदी देश में मोदी जी का, मोदी जी का विकास है, एक बस है ये अपना विकास। उज्जवल भाई स्वागत है, नमस्कार। राजीव द्विवेदी जी, हनुमान गुप्ता सरई से है, भैया प्रणाम। रिंकू विश्वकर्मा जी, कहाँ घुमाई हो रही है? अब फिर वीडियो आगे पीछे कहला तो पता चल जाए कि कहाँ घुमाई हो रही है। विकास सेन जी, विशाल सिंह जी और तमाम लोग, सभी को प्रणाम। मैं धीरे धीरे मैसेजेस आप सबके देख, पूरी टीम पलेगी, बिल्कुल। हाँ, दादा ने कहा है कि पूरी टीम पलेगी,
भट्ट जी ने, विवेक तिवारी जी, विनोद तिवारी जी, लोकेश भैया वो एक दिन दिखे हैं, प्रकट हुए हैं, अभी कल से दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर वो मुझसे 10 बजे बात हुई है लोकेश भैया की, आएंगे? हाँ, गुड मॉर्निंग भैया। नहीं आएंगे नहीं, वो फोन आ गया था भाभी जी का घर। अच्छा, तो अच्छा, वो चले, कहाँ हो आपकी तरह वो नहीं है। अच्छा घर परिवार है, फोन आया चले। हम अच्छा अच्छा, विष्णु शर्मा जी, सत्येंद्र सिंह बघेल खड्डी, कहाँ हो भाई, जागो तुम लोग, कहाँ हो? रिंकू विश्वकर्मा जी, पुष्पेन जायसवाल जी, अभिषेक तिवारी जी, उपेंद्र सिंह जी और आशीष त्रिपाठी जी मैहर से, भैया प्रणाम। सचिन कुशवाहा, रामलाल भाई, अजय पांडे, विकास कुछ जरूरी काम आ गया था तो नहीं आ पाया, आ जाऊंगा भैया बिल्कुल। अभिषेक तिवारी जी, पंकज शुक्ला जी, शिवेंद्र राजपूत, प्रहलाद मिश्रा और आशीष जी, शिवेंद्र राजपूत, उपेंद्र भैया, राजकुमार द्विवेदी जी, चलिए राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद, पाला बहुत नहीं है। अंकित द्विवेदी जी, एक रेस्टोरेंट खुला है, हाँ, उन्होंने अभी फोन करके चाय के लिए बोल दिया है 10 बजे और मैं मना नहीं कर पाया, क्योंकि अगर कोई बोलता है तो मैं मना नहीं कर पाता। नहीं, इसीलिए पूरी टीम अपनी अभी कुछ देर बाद रिंकू सिंह भैया के रेस्टोरेंट में पहुंचेगी, वहां से बताएंगे नया है। अच्छा अच्छा। अंकित द्विवेदी जी, ठाकुर हिमांशु सिंह जी, स्वागत है भैया हिमांशु जी, राजकुमार द्विवेदी जी, अंकित द्विवेदी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और चलिए हम सब लोग हंसी मजाक में बहुत सारी बातें करते हैं उन, और हंसी मजाक ही इंसान को जिंदा और एनर्जेटिक बनाती हैं, बाकी तो यहाँ तमाम शेर भालू चीते तो है ही। मैं तुम्हारी फ़ोटो नहीं, इधर फोटो दिखा रहा था। चलिए अब इस लाइव को यहीं समाप्त करते हैं और आप सबका आभार, आप सबका नमस्कार।